नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन है। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आप में से ऑलमोस्ट हर एक बंदा जो इंस्टाग्राम यूज करता ही होगा, ऐसे में दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई भी ऐसा अकाउंट है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, आप चाहते हो आप उसकी स्टोरी देख रहे हैं लेकिन उसको जो है पता ना चले, यानी उसके व्यू में जो है आपका अकाउंट ना आए उसकी स्टोरी व्यू में, तो इस वीडियो बताने वाला हूँ कैसे आप जो है किसी की भी इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो वीडियो एंड तक देखना, काफी इंटरेस्टिंग होगी। शुरू करते हैं गाइस। इस वीडियो में जो है आपको टोटल तीन तरीके के बारे में बताने वाला हूं, एंड मैं आप सभी को बता दूं ये तीनों की तीनों तरीके जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव, आप बोल सकते हो 100% वर्किंग है। सबसे पहले तरीके के बारे में बात करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं एक सेल्फी अपनी जो है स्टोरी में अपलोड कर देता हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद मैं अकाउंट स्विच करता हूँ मेरे प्राइवेट अकाउंट, एंड इधर आपको क्या करना है उसकी प्रोफाइल पे जाके जो है अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे या फिर आप बोल सकते हो फ्लाइट मोड पे जो है डाल देना है। जैसे आप देख सकते हो इनेबल हो चुका है मेरा एयरप्लेन मोड, एंड आप देखेंगे यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्टोरी पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो वही पोस्ट आ रखी है बिल्कुल 26 सेकंड पहले, नीचे लिखा रहा है नो इंटरनेट। अब मैं अपने मेन अकाउंट से देखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं वापस से इसको टर्न ऑफ कर देता हूँ एयरप्लेन मोड को, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है बिल्कुल कोई भी व्यू नहीं आएगा, एंड यहाँ पे जो है 0 व्यू आ रहे हैं, एंड आप देख सकते हो यही वाली स्टोरी मैंने देखी है। सेकंड ट्रिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे जो है मैं फटफट से एक और जो है फोटो अपलोड कर देता हूँ अपनी स्टोरी में, आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारी फोटो अपलोड हो चुकी है, 0 व्यूज हैं। फिर मैं अकाउंट स्विच करता हूँ मेन प्राइवेट अकाउंट पे जाके मेन अकाउंट सर्च करता हूँ, आप देख सकते हो इस बार आपको रिफ्रेश कर लेना है, एंड यहाँ पे जो आपका अपना मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई जो है ऑफ कर देना। आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दिया और आप स्टोरी देख पा रहे हो इजीली, कितनी बार भी देख पाओगे। एंड यहाँ पे जो मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, अगर आपका नहीं चला तो एक बार रिफ्रेश कर सकते हो। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अपने मेन अकाउंट पे स्विच करता हूँ तो एक बार मैं यहाँ से अपना जो है वाईफाई फिर से कनेक्ट कर लेता हूँ, आप देख पा रहे हो वाईफाई कनेक्ट हो चुका ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पे जो है आप देखेंगे स्टोरी में जाके तो व्यू में वो अकाउंट आ ही नहीं रहा, किसी और का अकाउंट आ रहा है इस तरीके से। थर्ड ट्रिक के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो है आप एप्लीकेशन वेबसाइट यूज कर सकते हो, जैसे काफी अनोनमस वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन होती है और उसमें आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस, अगर आपको डेटा का कुछ ऐसा नहीं है भाई आप रिस्क पे चलना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कोई भी ऐसी ऐप या वेबसाइट। बट हाँ आप जो है गूगल क्रोम के एक्सटेंशन देख सकते हो, इंस्टाग्राम के काफी सारे आते हैं, आप मैं एक दो डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो वो जो है सच में काफी ज्यादा करते हैं, वेब क्ले है तो आप यूज कर सकते हैं। ये थे कुछ तीन ऐसे तरीके जिसकी मदद से जो आप किसी की भी इंस्टाग्राम स्टोरी देख सकते हो और उसको पता भी नहीं लगेगा बहुत इजीली। आप लोग बताना कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में, इतना था वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जो सकना, शेयर जो सकना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ऐसी वीडियोस में रोजाना अपने चैनल पर आता रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।